जबकि इनका अपना इंजन है। हाँ फिएट का वही वही चीज मुझे बता। अदरवाइज हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। आज मैं निकल रहा हूँ कहीं दूर, अभी हम चलते हैं लिफ्ट के बाहर। एक तो ना भाई हमारी ना लिफ्ट का ना मिरर भी ना बहुत ही ज्यादा गंदा है, ठीक है, उसको ना इग्नोर ही करना। एंड कहीं दूर की बात करें ना, एक भाई फैमिली फंक्शन टाइप है, उधर जा रहा हूँ, वो आपको धीरे धीरे पता ही चल जाएगा। नहीं तो टाइटल वगैरह शायद मुझे पता ही नहीं मैं क्या टाइटल रखूंगा, मतलब कि किस बेस पे रखूंगा, बट ठीक है। जैसे भी हुआ ना भाई, वीडियो में ना बने रहें, बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग ये होने वाला है। और जो मेरी जर्नी है ना वो रहने वाली है 6 घंटे की। एंड जो मेन बात है, मैं ट्रेवल कर रहा हूँ भाई सोलो। ये देख सकते हैं अभी मेरा बैग पड़ा है, बस इधर आप देख सकते हैं 333 किलोमीटर एंड 5 घंटे भाई अराइवल दिखा रहा है 2:14 का। बट देखते हैं भाई किस टाइम पहुंचते हैं, क्योंकि भाई इतनी बड़ी जर्नी है, सोलो हूँ, बीच में एक बार तो कहीं ना कहीं रुकूंगा भाई, थोड़ा शरीर खोलने के लिए, कैफीन इनटेक करने के लिए। एंड कल ना चंडीगढ़ से ना मैंने अपनी कार फुल करा ली थी, क्योंकि चंडीगढ़ में ना डीजल है सस्ता, तो मैं सोचा करा लेते हैं फुल। और ये भाई वरना डीजल है तो अप डाउन इजीली मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए, मतलब कि लास्ट में एक आधा डंडा बच जाएगा, क्योंकि रेंज दिखा रहा है भाई 800 किलोमीटर। बट ठीक है, हाईवे पे एवरेज अच्छी दे ही देती है कार, बाकी तो देखिएगा क्या होता है क्या नहीं। बट आज भाई मौसम भी बहुत प्यारा है, मतलब कि धूप निकली हुई अच्छी बात है, बारिश वगैरह नहीं है। भाई 45 मिनट्स में हम पहुंच चुके हैं अंबाला, और भाई क्या ट्रैफिक है यार रास्ते में, बहुत ही बुरा हाल है भाई। सुबह सुबह भी देख लो, अभी 10 बजने वाले हैं। एंड आप लोगों को पता ही है कि मैं बहुत ही ज्यादा ना सोलो ट्रैवल करता हूँ, और सोलो ट्रैवल में ना भाई बंदा बोर हो जाएगा अगर उसकी प्लेलिस्ट अच्छी नहीं है, क्योंकि कोई बात करने के लिए तो है नहीं। मेरे जैसे अगर कोई सिंगल ही बंदा हो जो कॉल पे नहीं बात कर सकता किसी से, अपनी बंदी बुंदी से मतलब, तो ज्यादा ही बोर हो जाए वो बंदा। सो ऐसे गाने ही है, म्यूजिक ही है जो सेव कर लेता है भाई, नहीं तो बोरियत में तो वही है, नींद भी आ जाती है। बट ठीक है, अच्छे खासे गाने बज रहे हैं, तो नींद का तो दूर दूर से कोई रिश्ता है नहीं अभी। सफर कैसा है ये सफर? ना एक वीडियो में ना मैंने कमेंट पढ़ा था भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट लगा मुझे, मतलब कि मेरे नीश से अलग था, मतलब कार वगैरह से रिलेटेड, ट्रैवल वगैरह से रिलेटेड नहीं था। कमेंट था, अभी आपको स्क्रीन पे शायद दिख भी रहा होगा, कि भाई बालों का स्किन वगैरह से रिलेटेड था। तो भाई मैं ना आपको एक चीज बताता हूँ, सिंपल सी जो देसी नुस्खा जिसे कह लो, कुछ कह लो, बट बिल्कुल ही सिंपल चीज है। सोशल मीडिया पे ना इतना मत देखा करो, ये प्रोडक्ट लगाना है वो प्रोडक्ट लगाना है, ज्यादा से ज्यादा भाई जो पड़ा है ना पानी, अभी मैं ट्रैवल करते हुए बस पानी पीता जाता हूँ, जितना हो सके ना पानी पियो। मेरी तो अभी आदत बीच में छूट गई थी, नहीं तो पहले मेरा ये था 4 से 5 लीटर पानी फिक्स था, अभी 2-3 लीटर भी मुश्किल से होता है। बट आप लोग ना आदत डाल लो कि भाई पानी पीना ही है, आप घर से निकलते हुए भी कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो पानी की बोतल अपने साथ लेके आ जाओ, उससे ना आपकी स्किन बिल्कुल ही साफ रहेगी। सुबह अपना मुंह धो लिया करो यार साबुन से, नहीं तो फेस वॉश वगैरह से, उसके बाद मॉइस्चराइजर लगा लो, मतलब क्रीम वगैरह कोई भी, बस इसके अलावा कुछ नहीं भाई। पानी वगैरह पियो, पिंपल पुंपल की भाई कोई दवाइयां नहीं, कुछ क्रीम में ग्रूम में नहीं, जितना पानी पियोगे उतनी जो टॉक्सिन्स है ना आपकी बॉडी से निकलेंगे, वॉश आउट होंगे, तो पिंपल वगैरह आपको बिल्कुल भी नहीं आएंगे। एंड अब बात रही बालों की, जो कि आज बिल्कुल भी बने हुए नहीं है, मतलब कि मेरे बाल ना बनते ही नहीं है, अगर इन पे कुछ लगा लूँ तो फिक्स हो जाएंगे, हेयर स्प्रे वगैरह लगा लूँ तो। बट मैं वही सोचता हूँ कि यार रोज रोज क्या ही लगाना, तो यस इससे आपको पता चल गया बालों पे भाई जितने कम प्रोडक्ट लगाओगे उतने आपके बाल बढ़िया रहेंगे। बाकी तो जैसे मैंने आपको बताया जीन्स पे भी बहुत चीजें डिपेंड करती हैं, हेल्दी हेयर्स का तो यही होता है। एंड करनाल रह चुका है 48 किलोमीटर, पानीपत है 87 किलोमीटर। बट यार एक बात मैं आपको बताता हूँ, हाईवे पे ना जो सेडान को खींचने का मजा है ना, ऐसे ऐसे जो सांप बन के जा रही है ना, बहुत ही मजा आ रहा है यार चलाने में, मन करता है बस चलाते जाओ चलाते जाओ, कंफर्टेबल, ऊपर से भाई जीरो बॉडी रोल, और जो खींचती है वरना डीजल, मजेदार यार, बहुत ही मजेदार। एसयूवी में ना यही होता है कि बॉडी रोल वगैरह फील होता है ना, मतलब कटिंग वगैरह में ना इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता, बट सेडान तो भाई बनी हाईवे के लिए, हाईवे पे तो ना इसका कोई मुकाबला नहीं है भाई सेडान का, ऐसे ऐसे जो जा रही है ना ये बहुत ही सही। बट मैं वो ये स्पीड मेंटेन कर रहा हूँ 80, 90, 100, 110, मतलब 110 से ऊपर तो मैं जा ही नहीं रहा, मैं कहा ठीक है यार सेफ्टी के साथ चलते रहते हैं। इस रूट की जो मेरी फेवरेट जगह है ना वो यही है भाई, नीलकंठ स्टार, इधर रुकेंगे। ये मतलब कि ना बढ़िया जगह है, साफ सुथरी सी,
अब इधर बैठ के कॉफी पी लेता हूँ ताकि नींद ना आए, और आज की वीडियो का थंबनेल भी रहता है उसे भी जल्दी से बना लेते हैं। गर्मी भी अच्छी खासी है भाई, अब इधर ही चलते हैं। चले यार उधर से तो मैं निकल चुका हूँ और एक सामान भी ले लिया, मैं कब उधर जा रहे हैं, किसी के घर खाली हाथ अच्छा नहीं लगता है। बट अब मैं आपको बताता हूँ मैं जा किधर रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ भाई इंड्री। अब आप समझ चुके होंगे क्यों जा रहा हूँ। आकाश भाई और अरुण भाई के घर पे ना फंक्शन है, तो उनका ना 2-3 दिन पहले ना इनवाइट आया था, फिर बाद में कॉल भी आया कि भाई ऐसा ऐसा सीन है, फैमिली फंक्शन है, जो क्लोज फ्रेंड्स हैं हमारे उन्हें बुला रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैं घर वालों से पूछ के बताता हूँ, क्योंकि चक्कर पता क्या था यार, मेरे घर से ना दूर बहुत पड़ता है, आपको मैंने जैसे बताया ही भाई 5-6 घंटे लग ही जाते हैं इजीली। तो फिर मैंने एक बार घर वाले से पूछा, घर वाले कहते देख ले मर्जी है भाई, जो करना है कर ले, मेरे पापा तो सीधा ही बोलते हैं जो मन है कर ले। तो मैं सोचा चलते हैं भाई, एंड जिस चीज का फंक्शन है वो भी आपको इन फ्यूचर पता चली जाएगा, वीडियो में बस बने रहे, बहुत ही मजा आएगा। टोल ही बहुत आ रहे हैं यार रास्ते में, बुरा हाल है। फाइनली गाइस केएमपी में चढ़ चुका हूँ, और भाई केएमपी क्या ही रोड है, बट जब मैं लास्ट टाइम केएमपी में चढ़ा था ना भाई, मेरा हो गया था टायर पंचर, एंड आई होप प्लीज भगवान जी इस बार टायर पंचर ना हो यार, अकेला हूँ, लास्ट टाइम भी अकेला था, बहुत तंगी हो जाती है भाई, बहुत टाइम वेस्ट होता है, बहुत मेहनत लगती है, मेहनत तो चलो कर लेंगे कोई चक्कर नहीं है, बट ना हो ना अच्छी बात है भाई। बट इधर से मैं आपको दिखाता हूँ, 1.5 घंटा और लगेगा और डिस्टेंस है 114 किलोमीटर, मतलब देख रहे हो 114 किलोमीटर कवर करने के लिए 1.5 घंटा, करने को तो मैं ज्यादा तेज भगा के, क्योंकि आपको पता ही है इधर कितनी सारी वीडियोस आपने देखी होंगी टॉप स्पीड वगैरह चेक होती है, भगा के मैं 1 घंटे में ही कर लूं, बट मेरा कुछ फायदा नहीं है, आराम से ही चलते हैं। और ना मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊं, ये देखो आज ना कार चली है 221 किलोमीटर और एवरेज देख रहे हो 25 की एवरेज यार, लाजवाब, वरना मान गया मैं तेरे को। कैसा है ये सफर मंजिलों, चलो भाई केएमपी से उतर के आ चुके हैं नॉर्मल रोड्स पे। भाई क्या केएमपी है यार, मजा आ जाता है चलाने में उधर। अब रह चुका है 3 किलोमीटर इधर से, भाई मैं तो गुम हो गया रास्ते ही, गूगल मैप भी गलत रास्ते बता रहा है भाई, बड़ा औखा सोखा मिला रास्ता, बट फाइनली भाई पहुंच चुका हूँ। भाई साहब ओखा ही है भाई, इधर है फंक्शन सारा, टेंट वगैरह लग रखे हैं, बट भाई संस्कारी सुमित भाई भी आ रखे हैं, उनकी कार देखी मैंने अभी, चलो देखते हैं भाई क्या सीन रहता है। तो भाई अब सीन ऐसा है कि ना मैं इनके घर पहुंच चुका हूँ, भाइयों के अभी वेट कर रहे हैं, कुछ प्रोग्राम अंदर हो रहा है उसका, थोड़े स्नैक्स वगैरह होंगे, और अभी मैं मिलवाता हूँ आपको जो और क्रिएटर्स भी आ रखे हैं भाई, जिन्हें मैं बहुत टाइम से देख भी रहा हूँ, संस्कारी सुमित भाई, जो उनके बोलने का स्टाइल है ना मुझे बड़ा पसंद है। एंड एक चीज दिखाऊँ मैं आप लोगों को, वो देखो भाई पीछे सिल्वर प्ले बटन, बोरा बोरा बोरा, नीचे गोल्ड प्ले बटन, ठीक है ये भाई? हाँ भाई ठीक है। फाइनली भाई आकाश भाई मिल चुके हैं भाई, क्या हाल है? फेक हाई कर लेते हैं एक बार ना, फेक हाई कैमरे के लिए जरूरी है। बढ़िया भाई, भाई थैंक यू आपने इनवाइट करा, अच्छा था केएमपी का, केएमपी से जब एंटर करते हैं ना, जब मैं घूम हो गया, बाकी सब बढ़िया था, बढ़िया था, मजा आया ना, अभी और मजा आ गया। हाँ भाई जागरण में, हाँ जागरण में, तो भाई अभी ना घर से जा रहे हो, टाइम आपको नीचे दिख रहा होगा, बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, अभी ना मैं आपको कुछ क्रिएटर से मिलवाता हूँ। क्रिएटर्स की मैं जो बात कर रहा था वो है इधर संस्कारी सुमित भैया, भैया कैसे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई से मिलने के बाद और बढ़िया। अरे और इधर है राकेश भैया, हेलो भैया कैसे हो? बढ़िया भाई बढ़िया, क्या हाल है? हमें मतलब 1-2 घंटे हो चुके हैं भाई, बातचीत वगैरह अच्छी खासी हुई, बट वो ये ऑफ द कैमरा जो बातचीत होती है ना वो ज्यादा बढ़िया होती है, इसलिए मैंने कैमरा जब ऑन नहीं करा था। तो यार अब सीन ऐसा है कि हम ना थोड़ा बहुत कंटेंट शूट करने जा रहे हैं, और ना मैं आपको एक बात बता देता हूँ यार, अभी ना देखो मैं फंक्शन पे आ रखा हूँ, ठीक है, तो ना ऐसा ना मैं सबसे इतना वो बतला नहीं रहा हूँ, जैसे अरुण भाई मिल खड़े हैं, ठीक है, मिल तो मैं सबसे लिया हुई हूँ, बट वो ये यार कैमरा फंक्शन में ना ऑन करना, आप समझ रहे हो, ऑकवर्ड हो जाता है भाई। ये है लोकेशन XUV700 और कंपस के लिए तो बढ़िया है, वरना के लिए मुझे इतनी बढ़िया नहीं लग रही है, पंचर प्रोन टायर्स हमारे वैसे ही है, बट यार सुंदरता देखो यार कितनी ज्यादा सुंदरता है। अब जाके ना शूट वगैरह कंप्लीट हुआ है, और यार नज़ारे देख लो खतरनाक यार, और जो बातें भी हुई है ना मज़ेदार। अभी फंक्शन में चलते हैं, उधर देखते हैं क्या सिस्टम रहेगा, उधर तो यार वैसे डीजे बज रहा है, मुझे पता है ऐसे में इतना शूट नहीं कर पाऊंगा, बट जितना भी हुआ ना मैं शूट कर लूँगा, फिर उसका वीडियो को एंड कर दूंगा।
सो ये है नेक्स्ट डे, टाइम हो चुका है 6:55 और भाई मैं निकल चुका था 6 बजे उधर से। प्रोग्राम यार बहुत ही बढ़िया था, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी शायद बताया था कि भाई जागरण था एंड मेन बात तो अच्छा खासा सब कुछ निपट चुका है। 6 बजे मेरे निकलने के ना बहुत रीजन थे, जिनमें से सबसे पहले था कि भाई अब जिन्होंने भाई ऑर्गेनाइज कराया भाई ठीक है, अब उनको भी तो सोना है ना, तो अगर मैं उधर मतलब जो मुझे पर्सनली फील हो रहा था ना यार कि मैं निकल जाता हूँ क्यों किसी को तंग करना, क्योंकि मैं रात को थोड़ी देर सो गया था और मेरी नींद पूरी है, मुझे मतलब ऐसा 1% नहीं फील हुआ कि मुझे नींद आ रही है, तो मैं सोचा निकल जाता हूँ। एंड जो दूसरा रीजन था वो ये था कि अंबाला में एक शूट भी करना था, अब उसका कोई टाइम तो था नहीं, मतलब कि चाहे 1-2 बजे भी पहुंच जाता तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, बट मुझे लगा ठीक है अब सुबह सुबह जाके एडिट वगैरह निपटा के वही वाली वीडियो डाल दूंगा, ये वाला व्लॉग तो मतलब मैं फिर कभी डाल दूंगा क्योंकि इसमें एडिट में टाइम लगेगा, बड़ा हो गया होगा ये, मतलब कोशिश तो मैं यही करूंगा कि शॉर्ट एंड क्रिस्पी रखूं एज ऑलवेज जैसे मेरी हर वीडियो होती है 10-12 मिनट की, इतना ही रखूं। एंड बाकी बात करें तो यार मजा तो बहुत आया, देखो क्रिएटर से जो मिला मैं, संस्कारी सुमित भाई से, ज्ञान थेरेपी मतलब कि राकेश भाई से एंड अरुण भाई वगैरह से, तो आपको ही पता ही है कि चलता ही रहता है मिलते रहते हैं, तो उनसे तो भाईचारा ही हो चुका है। एंड अब बात करें ना भाई KMB की, यार जैसे मैंने पहले भी आपको बताया जो चलाने में मजा आ रहा है ना, अभी भी ना मैंने क्रूज मोड लगा रखे है और उधर देखो भाई अभी तो जब मैं निकला था ना यार जो सनराइज हो रहा था इतना सुंदर इतना सुंदर, बट ये देखो क्रूज लगा रखा है 111 पे, शगुन भाई शगुन। चलो यार ये सब छोड़ते हैं फिलहाल, तो ना इस वीडियो को ना मैं यहीं पे एंड करता हूँ। एंड एक और जरूरी बात यार, मतलब कि जगराते हैं ना, मैंने ऐसे यार इतना शूट नहीं करा, क्या शूट करता, डीजे वगैरह चल रहा था समझ रहे हो ना, थोड़ी बहुत मैंने आपको ग्लिम्स वगैरह दिखा दी थी, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। फिलहाल तो ना इस वीडियो को ना मैं फाइनली यहीं पे एंड करता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को यार याद से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर इट विल मीन अ लॉट टू मी। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।